हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। वरुण गांधी ने कहा, जनता को मिलने वाली राहत पर बोलने से पहले सांसदों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जी हां, बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने कहा कि श्री सुशील मोदी ने सदन में मुफ्तखोरी की संस्कृति खत्म करने पर चर्चा का प्रस्ताव रखा है, पर जनता को मिलने वाली राहत पर उंगली उठाने से पहले हमें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि क्यों न चर्चा की शुरुआत सांसदों को मिलने वाली पेंशन समेत अन्य सभी सुविधाएं खत्म करने से हो। बता दें कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाएं देने से आर्थिक संकट आएगा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है। अमेरिकी संसद में स्वीडन फिनलैंड की नाटो सदस्यता के प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग। जी हां, अमेरिकी सीनेट ने नाटो में स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता की पुष्टि करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए मतदान और बहस की प्रक्रिया पूरी की है। यह पश्चिम सैन्य गठबंधन के विस्तार में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मतदान प्रक्रिया के दौरान 95 वोट पक्ष में दिए गए जबकि 1 वोट प्रस्ताव के खिलाफ दिया गया। ईडी की कस्टडी में रह रही अर्पिता मुखर्जी ने की इन खास चीजों की मांग। जी हां, पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी से ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी की गिरफ्त में रह रही अर्पिता ने कई तरह की मांगे रखी है। अर्पिता सुबह सुबह ब्लैक कॉफी की डिमांड करती है। इसके अलावा उन्हें ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू और किशमिश चाहिए। हालांकि ईडी तय डाइट चार्ट के मुताबिक ही उन्हें खाना दे रही है। 5G से पहले महंगा हो सकता है भारत में 4G कनेक्शन। जी हां, देश में 5G टेलीकॉम सर्विसेज शुरू होने से पहले 4G के टैरिफ में बढ़ोतरी की जा सकती है। 2022 में कंपनियां 30% तक टैरिफ बढ़ाएंगी। इसके बाद 5G के लिए प्रीमियम टैरिफ वसूलेंगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती हैं। इन कंपनियों ने पिछले साल नवंबर और दिसंबर में टैरिफ बढ़ाया था। कौन होगा देश का अगला चीफ जस्टिस? कानून मंत्रालय ने CJI रमना को लिखा पत्र। जी हां, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमना को पत्र लिखा है। उन्होंने उसमें अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। बता दें कि 3 अगस्त का पत्र बुधवार को देर शाम मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में प्राप्त हुआ। CJI जल्द ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस UU ललित की सिफारिश कर सकते हैं। कोई मिल गया के एक्टर का हुआ निधन, बॉलीवुड में शोक की लहर। जी हां, बॉलीवुड एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्होंने अपने करियर में गदर, एक प्रेम कथा, सत्या, अशोका, ताल, बंटी बबली, क्रिश, कोई मिल गया और रेडी जैसी फिल्मों में काम किया था। वो अपने जीवन के आखिरी दिनों में अपने होम टाउन में रह रहे थे। बता दें कि मिथिलेश ने लखनऊ में अंतिम सांस ली। एयरटेल इस महीने भारत में 5G सेवाएं करेगी शुरू। जी हां, बता दें कि 5G कनेक्टिविटी के लिए वर्षों तक इंतजार करने के बाद भारतीय एयरटेल के पास नेक्स्ट जेनरेशन सेलुलर नेटवर्क्स तकनीक के लिए लॉन्च टाइमलाइन बताई है। एयरटेल ने पुष्टि की है कि वह अगस्त महीने के अंत से पहले देश में अपनी 5G सेवाएं शुरू कर देगी। रिपोर्ट्स की माने तो रिलायंस जियो की घोषणा भी जल्द ही हो सकती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।